ग्रहों की दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित तिवारी आपके साथ पुनः उपस्थित हो चुका हूं मकर राशि वाले जातकों का वर्ष 2023 का राशिफल लेकर। मकर राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रहों के पिटारे से क्या निकलकर सामने आने वाला है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, विस्तार से आपको बताने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि कुछ बड़े ग्रह जो 2023 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उन ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। उसी के कारण इफेक्ट होगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, लव रिलेशन, बिजनेस, जॉब, कैरियर, भाग्य, सब कुछ कैसा रहेगा प्रभाव, विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने के बाद मेष राशि में गोचर करने लग जाएंगे। वहीं शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर धनु राशि में गोचर करेंगे। राहु का गोचर 2023 नवंबर के महीने में जो है मीन राशि में हो जाएगा, और नवंबर के महीने में ही केतु जो है कन्या राशि में गोचर करने लग जाएंगे। तो ये रहा बड़े ग्रहों की राशि का परिवर्तन। अब जानते हैं जीवन में वर्ष 2023 के वार्षिक राशि फल को। शनि का गोचर आपको काफी लाभदायक योग बना रहा है, क्योंकि लग्न का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है स्वयं शनिदेव, और वो अपनी कुंभ राशि अर्थात दूसरे घर में गोचर करने वाले हैं। और जो दूसरा घर होता है वो होता है आपकी वाणी का, आपके व्यवहार का, आपके परिवार का, और साथ ही आपके धन का, आपकी सेविंग्स का। तो सेकंड हाउस में जब आपके राशि के स्वामी गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेटर बनाने वाले हैं। धन के मामले में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी, आप काफी धन और संपत्ति इस साल में कमाने वाले हैं। लेकिन अचानक आई परेशानी आपके धन को उतना खर्च भी करवा देगी, तो इस बात को थोड़ी सी आपको ध्यान में रखकर ही पैसे को खर्च करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव को भी देख रहे हैं और आठवां घर सूर्य का घर है और वो शनिदेव का परम शत्रु माना जाता है। तो इस स्थिति में अचानक कुछ परेशानियां, कुछ घटनाएं आपके जीवन में विशेष रूप से अप्रैल के महीने में होने वाली हैं, जिसके कारण आपका पैसा थोड़ा सा खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय, अप्रैल के बाद बेफिक्र होकर निवेश कर दीजिए, उससे आपको प्रॉफिट जरूर होने वाला है, धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। गुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, जो आपके लिए सर्व सुख योग बना रहे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर, साथ ही साथ आपके कर्म के क्षेत्र पर, और आपकी जो ग्रह स्थिति है बहुत अनुकूल करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि आपके कर्म के क्षेत्र पर होने के कारण सीधा असर इसका आपके बिजनेस और जॉब पर पड़ने वाला है। अचानक बड़े निर्णय आपको जो है लाभ दे सकते हैं। आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भाई ये आपके लिए बहुत गुड समय है, इसमें आप निवेश कर डालिए, बेफिक्र होकर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अप्रैल के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी है। उसी के साथ साथ भाई बहनों से थोड़ा सा तनाव आपका रह सकता है, क्योंकि राहु का गोचर चल रहा है, आपसी मतभेद आपका अपने पार्टनर से, अपने भाई बहनों से जरूर हो सकता है। तो आपसी मतभेद ना होने दें, इस चीज की थोड़ी सी सावधानी आप रखें। अगर ऐसा रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी में बंटवारा हो जाएगा, जमीन जायदाद के बंटवारे हो जाएंगे, कोर्ट केस का मामला आपके फैमिली रिलेशन को खराब करने वाला हो जाएगा। जॉब या व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलने का पूर्ण योग नजर आ रहा है, विशेष रूप से उन लोगों को जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त योग नजर आ रहा है। भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, सफलता आपका रास्ता देख रही है, बस आपको उसका हाथ थामकर ऊंचाइयों पर जाने की जरूरत है। तो यह साल आपके लिए बहुत जबरदस्त और लाभकारी रहने वाला है, लेकिन कुछ चिंताएं जो मैंने आपको बताई हैं उनको आपको समझना है, और समझने के बाद 2023 में सर्वाइव करना है। मैं जानता हूं और आपको बता भी सकता हूं कि यह साल आपके लिए भाग्य के लिहाज से बहुत ज्यादा परफेक्ट रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।